Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कराची पाकिस्तान का एक बड़ा और अहम शहर। कराची को पाकिस्तान का माशी हब भी कहा जाता है। कराची शहर में 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। इस माशी हब को परवान चढ़ाने में एक बड़ा और अहम किरदार हमारी ताजिर बरादरी अदा करती है। इस ताजिर बरादरी ने माजी में बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। जब दिन दिहाड़े बत्ताखोर इनके दरवाजे पर आकर अपनी नाजायज मांगे पूरी करवाते थे और हकूमत खामोश तमाशाई बने ये तमाशा देखती थी। ताजिर बरादरी की जानिब से हकूमत को एक बड़े पैमाने पर टैक्स अदा किया जाता है, जो गोया कोई एहसान नहीं है। ताजिर बरादरी की वजह से बहुत से लोगों को रोजगार फराहम होता है। जब बात की जाए टैक्स की, तो ये जानना जरूरी होता है कि हम टैक्स अदा क्यों करते हैं। हम अपने हक हलाल की कमाई में से हकूमत को टैक्स इस वजह से देते हैं ताकि इसके बदले में हकूमत हमें वो तमाम सहूलियात फराहम करे जो हकूमत का काम है। यानी टैक्स अदा करके जैसे हम एहसान नहीं करते, वैसे ही हकूमत भी अपना काम कर हम पर कोई एहसान नहीं करती। हमारी टैक्स की रकम से इनकी तनख्वाहें अदा की जाती हैं। हकूमत का काम अच्छी सड़कें फराहम करना, शहर में सफाई का ख्याल रखना, हमारी सेहत को देखते हुए अच्छे और मियारी सरकारी अस्पताल कायम करना, अच्छे सरकारी स्कूल कायम करना और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर रख के एक आम शहरी की जानो माल की हिफाजत करना। क्या ये सब काम हकूमत अंजाम दे रही है? क्या ये सारे काम हमारी हुकूमत अंजाम दे रही है? ये तो एक सवालिया निशान है। सरकारी इदारों में बैठे हुए अफसरान ये समझते हैं कि वो आवाम का काम करके कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है और उनकी जिम्मेदारी है ये काम करना। लोगों से मिलना तो बहुत दूर की बात है, वो तो फोन उठाना ही गवारा नहीं करते। ना जाने इसके पीछे क्या वजह है, या फिर किसी की पुश्त पनाई है जिस पर वो इतना अकड़ते। टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी कि ताजिर बरादरी से आने वाली शिकायत हमें मौसूल होने लगी। ताजिर बरादरी की जानिब से की जाने वाली डिमांड कोई नाजायज ना थी, वो तो अपने हक की बात कर रहे थे। जब भी टीम टारगेट को कोई शिकायत मिलती है तो हमारा पहला फर्ज इस शिकायत के ऊपर ये चेक करना होता है कि आया जो शिकायत हमें मौसूल हो रही है उसमें कितनी सदाकत है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने नुमाइंदों को उन जगहों का दौरा करने को कहा जहाँ से ताजिर बरादरी की शिकायत मौसूल हो रही थी। ताजिर बरादरी की ये शिकायत थी कि जब वो हकूमत को इतना टैक्स अदा करते हैं तो क्यों हकूमत इन्हें बुनियादी सहूलियात से महरूम रखती, क्यों इन्हें झूठे वादे और दिलासों के सिवा कुछ नहीं दिया जाता, क्यों इन्हें इन तमाम चीज़ों से महरूम रखा जाता है। इनकी मार्केट्स की हालत तो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई पुराने खंडरात। इस शिकायत के मिलते ही हमारे नुमाइंदों ने अपने हथियारों के साथ यानी अपने कैमरों के साथ उन जगहों का रुख किया। इन जगहों को आप खुद भी मुलायजा फरमा सकते हैं। सड़कों की क्या सूरत हाल है वो आप खुद टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरिया गली, टिम्बर मार्केट, ग्रीन टिम्बर मार्केट, आयरन स्टील मार्केट, जोड़िया बाजार, शेरशाह वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी मार्केट हैं जो हुकूमत को बाहरी टैक्स अदा करती हैं। और वो टूटे हुए रोड, गंदगी के अंबार, नाकिस सेवरेज का निजाम जैसी मुसीबतों को बर्दाश्त क्यों करें, ये तमाम फुटेज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन तमाम फुटेज का बगौर जायजा लेने के बाद हमने एक नजर उन सड़कों पर भी डाली जहां से सूबाई वजीरों का, गवर्नर सिंध का, वजीर आला सिंध का गुजर होता है। ये सड़कें भी कराची का हिस्सा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ताजिर बरादरी के साथ ये ज्यादती की जा रही है। जब वजीर आला हाउस की सड़क बन सकती है तो फिर ताजिर बरादरी के साथ ऐसी ज्यादती क्यों? ये सवाल हमें इस बात के लिए उकसा रहा था कि इस बार टीम टारगेट ताजिरों के हकूक के लिए मैदान में उतरे। टीम टारगेट ने इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए ऑल ताजिर इत्तेहाद के सदर अम्माद पूनावाला से राब्ता किया। हमें इस बात का बहुत अफसोस था कि आखिर हमारे मुल्क में इतनी नाइंसाफी क्यों है। असर रसूख रखने वाले लोगों के लिए बेहतरीन सड़कें और तमाम सहूलियात, लेकिन एक आम आवाम के लिए क्या? कुछ नहीं।
टीम टारगेट का काफिला उन जगहों के लिए निकल पड़ा जहां की शिकायत मौसूल हो रही थी। बाखुदा रस्ते में ही वो तमाम शिकायत सच साबित हो गई। सड़कों की सूरत हाल तो ऐसी थी जैसे सालों से काम ना हुआ हो, लेकिन ये जानना भी जरूरी था कि इन सालों में कितनी दफा फंड पास हुए थे और हुकूमती खातों में कितनी दफा इन इलाकों में काम हो चुका है। टीम टारगेट उस मुकाम पे जा पहुंची जहां ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज के लिए मौजूद थी। इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां की सरिया गली में, और सरिया गली के अंदर की क्या सूरत हाल है, क्या यहां पर सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारे साथ ऑल ताजिर इतिहाद के अमाद पूना वाला मौजूद है और इनकी टीम मौजूद है, उन सभी हम बात करेंगे। अमाद साहब, ये बताइएगा कि क्या मसाइल हैं इस वक्त सरिया गली के। सरिया गली के मसाइल जो हैं इस वक्त जो बहुत ही सीवियर मसाइल हैं, यहाँ रोड मुकम्मल टूटे हुए हैं, कारोबार ख़राब हो चुका है। यहाँ पर सेवरेज का बहुत बड़ा इशू था। अपनी मदद आपके तहत सरिया गली के लोगों ने, स्टील कम्युनिटी ने अपने सेवरेज का काम करवाया। एक सवाल को जवाब देगा, अपनी मदद आप क्या था? अपनी मदद आपके तहत जब आपको कहीं से कोई सर्विस नहीं मिलती, जब कोई काम नहीं हो पाता, तो फिर आपको अपने मदद आपके तहत अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से काम करवाना पड़ता है। यहाँ पर हैवी व्हीकल्स, आप टैक्स दे रहे थे? बिल्कुल टैक्स देते हैं, और मैं इस बात के लिए चैलेंज कर सकता हूं कि लोग बार बार कहते हैं कराची 70% टैक्स जनरेट करता है, तो मैं कहता हूं कि 30% टैक्स जो है वो आयरन स्टील ब्रादरी करती है। और उनका ये हाल है कि इस वक्त जो उनकी मेजर मार्केट है, सबसे कदीम मार्केट है, उसका ये हाल है कि वहाँ रोड का कोई पुरसान हाल नहीं है। मजबूरी लाचारी इनके चेहरों से आया थी, आखिर करें तो क्या करें, किसका दरवाज़ा खटखटाएं, किससे इल्तिजा करें, क्योंकि यहाँ तो सब खामोश तमाशाई बने बैठे थे। गवर्नमेंट के किस किस इदारे से रابطہ किया है? गवर्नमेंट से तो हमने तमाम इदारों से रابطے भी किए हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमको सिर्फ ताजिर बिरादरी को सजाए मौत के सिवा और कुछ नहीं दिया। इन्होंने वो हाल इसका कर दिया है कि हम अपने कारोबार से बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए हैं। हमको इन्होंने कर्जदार कर दिया है, उनको सिर्फ अपने पैसे बटोरने और अपनी जेबें पूरी करनी है, और अपने घर का निजाम जो भी उनको अपना पूरा करना है। हम इसे हुकूमत की अदम दिलचस्पी कहें या नाअहली या गैर जिम्मेदारी कहें, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी को बाहरी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एक विजिट करें ना, उधर बिजली का निजाम सही है, ना उधर पीने का पानी का निजाम सही है, ना उधर सीवरेज का निजाम सही है। आप आए, आप पंखा डलवा रोड देंगे, एक ही मार्केट का इंटरेस्ट है, वो ऐसा हुआ हुआ है कि महीने में एक आध जान ले लेता है वो। किस किस बंदे ने विजिट किया था, उनके नाम बताएंगे? इन बाजारों में किन किन लोग विजिट कर चुके हैं? डीएमसी चेयरमैन खुद विजिट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ मुख्तलिफ जो जो पार्टी के अहदेदार हैं वो आ चुके हैं, और जो इलाका के चेयरमैन हैं वो मुसलसल आते हैं, लेकिन वो खुद ही काम करवाना चाहते नहीं हैं। अगर आप इसकी तह तक जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो खुद ही काम करवाना नहीं चाहते, क्योंकि इनके पॉलिटिकल इशू बन जाते हैं, इनके अपने इशूज़ ही खत्म नहीं होते। यार हम क्या करें, कौन है चेयरमैन, कौन सी पार्टी का, हमारा तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक ही कोई नहीं है, हमें तो काम करवाना है। आप यहाँ देखें ना कि हमारा क्या कसूर है, क्या यहाँ से वोट नहीं मिलेगा तो यहाँ रोड नहीं बनेंगे। हमें वहाँ पर यह शिकायत भी मौसूल हुई कि यहाँ के डीएमसी साउथ के चेयरमैन मलिक फयाज साहब तो फोन उठाना भी गवारा नहीं करते। अगर एक ताजिर इत्तेहाद का प्रेसिडेंट आपको फोन कर रहा है अपने मसाइल के लिए कर रहा है, तो आपका काम है हल करना, आप एहसान नहीं कर रहे हैं। इनको तमाम शिकायत का बखूबी इल्म है, और वो यहाँ पर आके वादे भी करके जा चुके हैं, लेकिन काम कुछ नहीं। इनका नंबर जरा मुझे बताइएगा, मैं अभी ट्राई कर लेता हूँ जी, सबके सामने कैमरे पे करता हूँ ट्राई, और कोशिश करता हूँ उठाएं फोन, और ये कॉल भी रिकॉर्ड होगी, उनको बता भी दूंगा कि उनकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। हमने इन्हें टेलीफोन कॉल्स भी मिलाना शुरू कर दी, लेकिन कोई जवाब मौसूल ना हुआ। आपके मतलूबा नंबर से अभी रابطہ मुमकिन नहीं, पर आए मेरे डेली ये डेली इनका काम होता है। ताजिर बरादरी अपनी मदद आप बहुत कुछ करवा रही है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी हुकूमत के फंड्स फिर कहां जाते हैं, जो हम अपनी मदद आप सारा काम करवाते रहे, और क्यों करें जब हम आपको टैक्स देते हैं, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये सारे काम आप करें। इस वक्त जो पोजीशन आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे ट्रक गुजरना मुश्किल है, ट्रैफिक जाना मुश्किल है, लोगों का आना मुश्किल है, और यहाँ पे लोडिंग कोई मामूली कोई वो कपड़े की लोडिंग नहीं होती, ये लोहे की लोडिंग है, यहाँ सरिया लोड होता है, यहाँ पे कॉयल लोड होते हैं। खुदा ना खास्ता किसी पे भी हो, ये आ तो आ जाएंगे, उस ताजिर को उठाएंगे और थाने में बंद कर देंगे। जी आपका ट्रक था वो गया है और आप बंदा मर गया है, अब आपकी जिम्मेदारी है, इसके घर वालों का टेक केयर भी आप करो, मतलब पैसे भी दें, जेल की सोहबतें भी हम वो करें, और इसके बाद जो है उनसे बातें भी सुने। ये तो हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, और जो ये आज जो हमने ये क्या बड़ा है, ये हमाद भाई ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, लेकिन भाई इन्होंने ताजिर बरादरी के लिए जो स्टैंड लिया है, हम उनके साथ हैं और खड़े हुए हैं।
ना मैं पहले डरा हूँ ना अब डरूंगा। जब मेरी मौत लिखी है तो मेरी मौत आएगी। मैं इन लोगों से नहीं डरता। अगर किसी आर्यन स्टील में सबसे पहले किसी पे बुराई आएगी या कोई मरेगा या किसी को गोली लगी तो सबसे पहले हमाद पूना वाला जाएगा, उसके बाद कोई और दुकानदार पे आँच आएगी, सबसे पहले मैं खड़ा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को किसी को आगे आने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मैं आऊँगा आप लोगों के लिए। आप जरा फयाज साहब को अपने नंबर से फ़ोन मिलाइएगा। नहीं उठाते मेरा फ़ोन। मिलाइएगा, ये भी मैं दिखा दूँगा जी, इनका नंबर तो सेव है। चलो मुझे तो ये कह देंगे जी आपका नंबर ही सेव नहीं है, और लेकिन इनके नंबर से भी मिला के देखते हैं कि वो क्या रिस्पांस क्या आ रहा है इनका। स्पीकर खोल दीजिए अगर हो जाए तो फिर मैं बात रिकॉर्ड कर लूँगा उनकी। ये आप देख सकते हैं कि जी मलिक फयाज साहब हैं, चेयरमैन डीएमसी, इनको ताजिर इत्तेहाद के प्रेसिडेंट फोन कर रहे हैं लेकिन ये नहीं उठा रहे। अच्छा जब यहाँ पर बारिश होती है तो फिर क्या सूरत है? सवाल ही पैदा नहीं होता, आप आके दिखा दो फिर इसको। हम लोग आगे यहाँ पे स्विमिंग करते हैं। ये पानी घुटनों तक होता है, कीचर। तीन तीन फुट पानी होता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ चलने की जगह नहीं होती। और ये पानी आके वो लोग निकालते हैं या जब धूप पड़ती है? बस अल्लाह ताला सुखा देता है। एक दो दफा बजट बने यहाँ पे, वो पता चला जी पार्टियों ने हजम कर ली। अब कौन सी पार्टी, में नाम नहीं ले सकता। बजट बने यहाँ के, मैंने तो मेरा ख्याल कचरा उड़ते हुए तो शायद पिछले 5 साल से मैंने नहीं देखा। पूरा पाकिस्तान में यहाँ से माल जाया जाता है, ठीक है, उसके बावजूद हमारे साथ कोई ताउन नहीं है, किसी किस्म का ताउन नहीं है। हम यहाँ वसीम अख्तर साहब आ चुके हैं, यहाँ मलिक फयाज साहब आ चुके हैं, हमारे ग्रीन टेम्पल मार्केट में सर्वे कर चुके हैं और हमसे वादा कर चुके हैं कि आपका ये काम होगा। हमने उनको दरख्वास्तें जमा करवाई, हर तरीके से अपील की है और उन्होंने वादे करके गए कि काम आपका होगा, लेकिन उस वक्त को भी तकरीबन 6 महीना गुजर चुका है। इन जगहों को देखकर मुझे इस बात की परेशानी हो रही थी कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का पहुँचना तो नामुमकिन है। मैंने बहुत टाइम पहले मुल्तान में बताया था कि जी एक जगह पटाखों की फैक्ट्री थी और फिर आग लग गई थी, उसके बाद सबने अपनी वो चमकाई थी, ऊपर सारे लोग हैं रिहायशी। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई वाकया हो गया तो भाई इधर तो कोई आ भी नहीं पाएगा। इधर अगर मैं अभी लोगों को बुलाऊंगा तो वो ये बताएंगे कि यहाँ तो एम्बुलेंस आना ही नामुमकिन हो जाता है। ग्रीन टिम्बर मार्केट में हम आ चुके हैं, लकड़ी यहाँ पर होती है। मुझे ये बताइएगा कि जब भी आपकी बात होती है तो उन्होंने कभी ये बताया कि आपका अप्रूवल में गया हुआ है, ये सब हुआ हुआ है? जी बिल्कुल, कहते हैं अप्रूवल आ गया है, कभी कहते हैं अप्रूवल पर गया हुआ है, लेकिन वो सब ऐसी बातें हैं कि वो टालने वाली बातें हैं। जब हम ज़्यादा प्रेशर करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं तो आपके सामने उसका रिजल्ट है। मेरा हुकूमत से सवाल है कि आया हुकूमत का काम है क्या? क्या ताजिर बरादरी कोई नाजायज डिमांड कर रही है या फिर मामला कुछ और है? सरकारी दफातर में बैठे अफसरान अपने आप को शहंशाह समझने लगते हैं। मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा कि वो भूल जाते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है। अगर हुकूमत की जानिब से उन्हें फंड दिए जा रहे हैं तो यह पूछने का हक हम रखते हैं कि वो फंड कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। हम इन सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे, हर मनाजिर हमें चौंका रहा था, लेकिन एक चीज ने मुझे बड़ी तकलीफ दी जब मेरी नजर मस्जिद पे लगे हुए एक बैनर पर पड़ी जिस पर यह दरख्वास्त की गई थी मलिक फयाज साहब से कि इस जगह मीठा पानी फराम किया जाए। उस वक्त मुझे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था कि अल्लाह के घर में मीठे पानी के लिए जिससे वजू किया जाएगा इसके लिए दरख्वास्त की जा रही है। ये बात किसी के लिए हो या ना हो लेकिन मेरे लिए शर्म का बायस जरूर थी। ये वो मार्केट है जो कराची की बैकबोन है, मईशत की बैकबोन है ये मार्केट्स, और इन मार्केट्स का थोड़ी जगह दिखा ये रोड है। ताजिर बरादरी की जानिब से ये शिकायत भी मौसूल हुई कि यहाँ पर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब भी आए और बहुत से लोग आए लेकिन अपना फोटो सेशन करा के मीडिया पे 4 बातें करके चले गए, आवाज किसी ने ना उठाई। यहाँ पर शेरी भाई जाम शोर खान जो वजीर बल्दियात बने थे तो जब फर्स्ट विजिट पे आए थे तो मैंने उनसे ये भी कहा था जनाब ये फोटो सेशन है या काम होगा, तो उन्होंने कहा काम होगा और आपको जल्द दिखेगा। वो तो नहीं दिखे। बिल्कुल तायर सरबाजी मेरा नाम है, ग्रीन टिम्बर मार्केट, और अभी बारादरी में केसीसीआई का जो हमारा 20वां प्रोग्राम था 20 साल, तो उस वक्त भी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जाम साहब आपने जो वादा किया था वो नाले का उस रोड का, नाला तो जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा है मगर इस रोड का क्या हालत होगा? बोला बाबा सब खैर है इंशाल्लाह ताला हो जाएगा ना, चल रहा है ना। इसी दौरान मलिक फयाज साहब को अपने कीमती वक्त में से टेलीफोन उठाने का टाइम मिल गया, शायद किसी ने इन्हें इन्फॉर्म कर दिया होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मलिक फयाज साहब बात कर रहे हैं? कौन?
मलिक फयाज साहब, शहरी बात कर रहा हूँ आज टीवी से। जी जी शहरी। मैं इस वक्त हमाद पूनावाला के साथ खड़ा हुआ हूँ, टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ और सरिया गली में मौजूद हूँ। यहाँ की जो सूरत हाल है वो देख के तो बहरहाल वो तो हमारे कैमरों ने ले लिया है, आप इस पे क्या मौकफ देंगे? कॉल रिकॉर्ड हो रही है। जी नहीं, हमाद पूनावाले खड़े हुए हैं आपके साथ, तो उन्हें पता है इन्हीं की फरमाइश की हमने यहाँ इनकी लाइट हाउस की जो मार्केट है वहाँ सेवरेज की लाइन डाल के दी। हम रोड भी बनाने जा रहे हैं, वो वाला भी और ये जो सरिया गली वाला रोड है जब इनसे सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन आप ये बताए ना कि फयाज साहब, इन मसलों का हल क्या है? ये तो ऐसी रोडें टूटी हुई है, लगता है कभी सालों साल से नहीं मिली। क्या आपको गवर्नमेंट से फंड नहीं मिल रहे? बिल्कुल नहीं बनी, आप सही कह रहे हैं, अभी हम बनाने जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, आपको गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है? नहीं बिल्कुल फंड की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, फंड की यहाँ सेवरेज से बहुत मसला है। नहीं, मुझे फयाज साहब ये बताए ना कि गवर्नमेंट की जानिब से आपको फंड मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। तो वो फंड पे लग क्यों नहीं रहे? इस बात को इन्होंने मान लिया कि हकूमत की जानिब से इन्हें फंड मौसूल हो रहे हैं, लेकिन इस बात पे चिड़चिड़े हो गए कि वो फंड कहाँ जा रहे हैं। यार सिर्फ आपको सरिया गली के अलावा ही घूमे ना साउथ में, आपको नजर आएगा। अच्छा फयाज साहब, अगर आप दफ्तर में तो मैं भी आपका इंटरव्यू करने आ सकता हूँ? मैं अभी हूँ हैदराबाद, आ जाए हैदराबाद में। अच्छा फयाज साहब, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, मैं उस वक्त भी यही कह रहा हूँ कि फंड कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि आपकी जेब में जा रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, आपने कहा कि गवर्नमेंट ने फंड दिया है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ फंड कहाँ लग रहा है? मैंने ये थोड़ी कहा है आपने अपनी जेब में डाल लिया है। मलिक फयाज साहब ने अपनी बातों से ये बात साबित कर दी कि वो ताजिर बरादरी के इस अमल से नाखुश हैं। शायद अब ताजिर बरादरी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फारूक गांधी साहब चेयरमैन है, वो कंप्लेंट करते हैं हमारी, काम नहीं करने देते हैं। वो तो कह रहे हैं उल्टा काम ही नहीं करने देते। अगर किसी एक यूसी में आपके पास, आप डिस्ट्रिक्ट साउथ के चेयरमैन हो, आप दो यूसीज में काम करा रहे हो, वो भी एक वार्ड में काम करा रहे होंगे, आप बौपट में मुझे दिखाएं, बौपट के लोग आज भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। देखिए मलिक फयाज साहब, आपकी बात का जवाब इन्होंने दे दिया, क्योंकि आपने कहा कि जी मैं काम करा रहा हूं। उन्होंने जो यूसी 17 का चेयरमैन था कहा इसके पास फंड मौजूद है। अब जरा फारूक साहब की गुफ्तगु भी मुलाहिजा फरमाइए। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी बोल रहे हैं, आज न्यूज क्राइम सेल का इंचार्ज टारगेट प्रोग्राम से। जी जी बोले भाई। अच्छा मैं अभी आप यूसी में भी आया था, मैंने रोड की सिचुएशन देखी, ये सिचुएशन बड़ी खराब है, इससे मैं प्रोग्राम। जी जी जी, क्या वजह है ये रोडों की हालत इतनी खराब की है? रोडों की हालत ये है कि इस पे फंड्स वगैरह है नहीं। मेरी उनसे बात हुई मलिक फयाज साहब, तो वो कह रहे हैं कि जी ने इनको बड़े फंड दिए हैं। नहीं, मुझे तो नहीं दिए, इन्होंने दिए अपने वाइस चेयरमैनों को। चेयरमैन को कोई फंड्स नहीं जारी हुए हैं। अच्छा। जो भी फंड्स हुए मिले हैं वो मिले हैं वाइस चेयरमैन को। हमारा वाइस चेयरमैन है अमीन मेमन, उनको मिले हैं। अमीन मेमन जी जी बिल्कुल, उनको कॉन्ट्रैक्ट कोई 50 लाख का जो होता है ना फंड्स का, जो शीट बनती है इनकी कामों की, तो सारा उनके पास है। उन्होंने अभी तक कोई काम कराया नहीं। फारूक साहब का ये कहना है कि मेरे पास कोई फंड मौजूद नहीं, फंड तो वाइस चेयरमैन के पास मौजूद है और उन्होंने अब तक कोई काम नहीं करवाया। अब टीम टारगेट बिचारी करती तो क्या करती, टीम टारगेट ने वाइस चेयरमैन अमीन मेमन को भी कॉल कर दी। वो कॉल भी आप मुलाहिजा फरमाइए। सलाम अलैकुम, वाले साहब, अमीन साहब बात कर रहे हैं? जी जी अमीन साहब, शहरी बात कर रहा हूँ आज न्यूज टारगेट प्रोग्राम से। जी जी। अच्छा अमीन साहब, मेरी अभी फारूक साहब से बात हो रही थी, मैं आप लोगों की यूसी में आया हुआ 17 में, तो यहाँ पर मैंने देखा है कि रोडों की बहुत बुरी हालत है, सब चीजें बहुत ही निजाम धर्म बनाने। अमीन मेमन साहब का ये कहना था कि फंड तो इनके पास भी मौजूद नहीं, वो ठेकेदार के पास हैं। तो मेरी जब फारूक साहब से इनसे बात हुई, आपके जो यूसी के चेयरमैन है, तो इनका ये कहना है कि जी फंड आपको मिले हैं, ऐसा कुछ है? फंड मुझे नहीं मिले, फंड ठेकेदारों को मिलते हैं। वो यूसी के जो प्रोग्राम है ना, तमाम यूसी के वाइस चेयरमैन को वो मुसाफिर तौर पर बनाया कि आप अपने अपने इलाकों में काम करा ले। यानी अब कोई कुछ भी करता फिरे मेरा मसला नहीं, हम तो बस ठेकेदार से अपना कमीशन लें और खामोश हो जाएं। फारूक गाजी साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो 1 रुपए का फंड नहीं आया, फंड सारे अमीन साहब के पास है। फंड मेरे पास भी नहीं है, फंड डीएमसी के पास है, डीएमसी काम करा रही है। फंड वो फयाज साहब जी, हाँ मलिक फयाज साहब, उन्होंने मुख्य ठेकेदारों को टेंडर में बात करता गवर्नमेंट की तरफ से,
और मुख्य ठेकेदारों को टेंडर मिले वो अपने अपने उसके काम करे अपने अपने तरीके कार से ना। फिर इन मौसूफ ने ये फरमाया कि काम तो हो रहा है और जब हमने वहाँ का विजिट करना चाहा तो वही पुराना वतीरा, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। जो वहाँ पे मुझे ताजे नजर आए, जो भी लोग नजर आए, तो गंदगी बहुत है। हेलो 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 हेलो, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से बात करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना अब काउंसलर को भी लाइन पे ले लिया जाए। यहाँ काउंसलर हनीफ साहब से बात हुई तो उन्होंने तो भांडा ही फोड़ के रख दिया। हनीफ साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहे हैं। हनीफ साहब, शहरी बात कर रहा हूँ आज न्यूज टारगेट प्रोग्राम से। जी सर। मैंने अभी यूसी 17 का विजिट किया है तो मैं प्रोग्राम कर रहा था रोडों की हालतों पे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मार्केट भी है तो तमाम रोडों का बड़ा टूटा हुआ हाल है, अजीब सूरत हाल है। आप क्या कहते हैं कि क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि जो 40 सालों से हुक्मरानी कर रहे हैं उन्होंने सत्यानाश कर दिया यूसी का भी। 40 सालों से यहाँ से पीपल्स पार्टी जीतती आ रही है, उनके ही नाजिम उनके ही काउंसिलर, उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। पीने का पानी साफ नहीं है, आप यहाँ पे पीने का पानी देखिए, मेरे घर पे आके किस तरह कितना गंदा पानी आता है। इनके अपने घर पर पानी मौजूद ना था, इनका कहना था यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं आपका मौकफ लेना चाह रहा हूँ कि आपकी यूसी में कोई इस तरह के काम नहीं हो रहे हैं जो उन्होंने बोला है? नहीं, रोड डाला है मेरी यूसी में। मैं आपको बता दूं, मेरे वार्ड में जो मेरा वार्ड है, मैं जहाँ का काउंसलर हूँ, वहाँ पे एक काम नहीं हुआ। टीम टारगेट ताजर बरादरी को यह मौका दिया कि वो अपनी आवाज हकूमत तक पहुंचाए, उनके इलाकों में होने वाले मसलों को वो खुद अपनी जबानी हकूमत को बयां करें। यह कराची की बोरा पीर पेंट मार्केट, जहां पर बहुत से ताजर अपना काम अंजाम दे रहे हैं। यहां की सूरत हाल क्या है ये आप खुद कैमरे की आंख से देख सकते हैं। क्या ये सब हकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि इन कामों को सर अंजाम दें? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिफ जीवा, मैं यहाँ बोरा पीर पेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप लोगों ने जो है वो हमारे इस इलाके के हवाले से हम पर तवज्जो फरमाई। बेसिकली लॉट ऑफ मसाइल तो बहुत सारे हैं, और स्पेशली जो आप देखें DMC के हवाले से जो हाल है, वो कचरे का ढेर बना हुआ है, और जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो आपको पता है क्या मामलात हैं क्या हैं। तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी कुछ नज़रसानी करें और ज़रा कुछ बेहतरी का मामला फरमाएं। इस कराची को जो लावारिस छोड़ा हुआ है, इस पर बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सीरियस हों और इसको ज़रा बेहतरी की तरफ लेकर आएं। बहुत शुक्रिया। ये है कराची का लाइट हाउस। लाइट हाउस का मतलब उर्दू में जाने तो रोशनी का घर, लेकिन इस रोशनी के घर का हाल मलिक फयाज साहब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलशन जावेद है और मैं लाइट हाउस मार्केट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरी आपके चैनल के तवसत से और पूरे DMC से और गवर्नमेंट सिंध से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी ताजरों के इन हालात पर ज़रा तवज्जो दी जाए, हम इस वजह से बहुत परेशानी का शिकार हैं। यह है कराची का जोड़िया बाजार। कराची का बच्चा बच्चा इस बाजार के नाम से वाकिफ है। अरे वाह क्या नज़ारे हैं। मुराद अली शाह साहब, ये भी कराची का हिस्सा है। गुलबहार मार्केट, नाम तो दिल को भाने वाला है लेकिन मनाजिर आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आज TV का कि आप लोगों ने टाइम दिया और हमारी यहाँ पर जितनी प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, उन सबको सुनने के लिए आप लोग यहाँ आए। हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है आपके सामने है, ये सड़क का मसला। दूसरा, जब से ये ब्रिज यहाँ पे बना है तो हमारे यहाँ लाइटिंग का बड़ा इशू है। यहाँ पे पहले स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ क्राइम में बेपनाह इजाफा हो गया है। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा मसला यहाँ पे KMC के हवाले से चल रहा है। जो ये DMC है, ये हमारा काम कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि गलियों से कचरा ला के यहाँ पे रोड पे फेंक देते हैं और तकरीबन 2-2, 3-3 बजे तक उठाते हैं, जिसकी वजह से दुकानें यहाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं और कचरा यहाँ जमा रहता है। तो इस हवाले से मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये कुछ मसाइल की दादरसी की जाए। यहाँ पे एक तो पुलिसिंग का निज़ाम किया जाए, स्ट्रीट लाइट का निज़ाम किया जाए और साफ सुथराई का, सफाई का निज़ाम किया जाए। ताजर बरादरी की जानिब से एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कराची की पूरी ताजर बरादरी ने शिरकत की। आपकी जो बोरा पीर की मार्केट है, इसके मसाइल एक तो आप हमें बताएं कि क्या मसाइल इस वक्त आप लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशली ताजर बरादरी? कोई एक दो तो मैं आपको बताऊं, मुझे वो यही कहना पड़ेगा कि या तो हम आंखें बंद कर लें, सब अच्छा है कह दें, या फिर अगर हम सिंसियर हो जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भट्टी साहब ये बताएं कि जी तारिक रोड की सूरत हाल कदरतन पहले से बेहतर है, लेकिन अभी किन मसाइल का सामना कर रही है ताजर बरादरी? सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारा, वो है पार्किंग।
अब्दुल कादिर साहब आपकी तरफ आते हैं। जोड़िया बाजार एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी मार्केट है, क्या मसाइल आप देख रहे हैं वहाँ पे कि जिन्होंने जो है ताजर बरादरी को उस वक्त में शदीद नुकसान दे रही है? डीएमसी और केएमसी के मामला ने हमारा समझो कि मार्केटों का बेड़ा गरक कर दिया है। रोड की कारपेटिंग हुए हुए 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, कोई कारपेटिंग नहीं होती रोड की। गुलशन साहब, लाइट हाउस मार्केट डेफिनेटली हर कोई इस मार्केट से वाकिफ है। आप लोग मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों का, मैंने सुना है कि आप लोगों ने बड़ा अपनी मदद आप काम कराया, तो कितनी कॉस्ट आप लोगों की लगी है उसमें? अब तक तो तकरीबन 40 से 42 लाख रुपए के जो मुख्तलिफ तरक्याती काम है अपनी मदद आप के तहत तो हम अपनी मार्केट में करवा चुके हैं। उसमें सारे फेरिस सीसीटीवी कैमराज हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सेवरेज लाइन्स हैं तकरीबन 1450 फिट। अच्छा, आपका जब डीएमसी से, डीएमसी साउथ आपका भी लगता है, जब आपकी बात होती थी तो क्या आपको मौकिफ मिलता था फंड नहीं है? क्या हाँ, फंड नहीं है सर, फहरिस्त तो ये होता है कि फंड नहीं है, अमला नहीं है, या टेंडर भेज दिया है, ये है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के वादे वक्त। क्योंकि अभी फयाज साहब ने कहा फंड तो मेरे पास बहुत है। नहीं, हमारे साथ तो दो तीन दफ़ा मुतालबे किए तो उसमें हमें तो यही मौकफ सामने आया कि फंड्स नहीं है। बातों ही बातों में एक इंकशाफ हुआ। लाइट हाउस के जनरल सेक्रेटरी गुलशन साहब का ये बताना था कि मलिक फयाज साहब हमेशा ये कहते हैं कि इनके पास फंड मौजूद नहीं है, लेकिन जरा इस कॉल को दोबारा मुलाहिजा फरमाइए। मुझे फयाज साहब ये बताएं ना कि गवर्नमेंट की जानिब से आपको फंड मिल रहे? बिल्कुल मिल रहे। तो वो फंड पे लग क्यों नहीं रहे? जैन साहब, आपकी मार्केट का क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है वहाँ पे? आपने अभी तक जितनी प्रॉब्लम सुनी है गोलीमार उन तमाम परेशानियों का मजमुआ है। अच्छा हाँ, बल्कि उसमें कुछ बढ़कर भी है कि हमारे यहाँ एक वो ग्रीन लाइन मंसूबा है, उसका बम भी है वहाँ पर। बिल्कुल, वो जिसकी वजह से तिजारती सरगर्मियाँ तकरीबन 40% ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, वहाँ पे कितनी दुकानें हैं आपके पास जो डिस्टर्ब हो रही है इस प्रोजेक्ट के रुकने की वजह से या काम स्लो होने की वजह से? तकरीबन हमारी 750 दुकानें जो हैं वो इस वजह से डिस्टर्ब हैं। 750? जी, तकरीबन 2500 हमारे जो डेली वेजेस के वर्कर थे वो फारिग हो चुके हैं। 2500 वर्कर आपने फारिग कर दिए? आप लोगों ने बिल्कुल फारिग हो गए, मार्केट में काम नहीं है। लोड शेडिंग का मसला ताजरों के साथ, सिवरेज का प्रॉब्लम ताजरों के साथ, रोड का मसला ताजरों के साथ।